ये टेंपल का आउटसाइड ऑफ टेंपल का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से हम लोग अंदर दर्शन लेने के लिए जा सकते हैं। और सामने काफ़ी भव्य ऐसा सभा मंडप का नज़ारा आप लोग देख सकते हो। हेलो गाइस, माय सेल्फ राज थंबोली एंड वेलकम टू माय चैनल हॉक ट्रैवलर। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे खुलताबाद में भद्रा मारुति मंदिर है, उस मंदिर की ओर जा रहा हूँ। और पीछे सर्कल का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और ये वाली सड़क जाती है भद्रा मारुति मंदिर की ओर। भद्रा मारुति मंदिर ये जो है पीठासीन देवता हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो भव समाधि या शयन मुद्रा में मूर्ति है यहाँ पे। तो ऐसे इस टाइप का टेंपल भारतवर्ष में सिर्फ तीन ही जगह पे है। एक है प्रयागराज में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा महाराष्ट्र में खुलताबाद में। तो इस साइड पे ये आगे वाला नज़ारा सड़क का कुछ ऐसे है और ये पीछे वाला नज़ारा। टेंपल की ओर जाते वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मूर्तियाँ बनाने वाले लोग हमको मिलेंगे जो कि काफ़ी खूबसूरती से मूर्तियाँ बनाते हुए। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये उसी सड़क पे जहाँ पे भद्रा मारुति टेंपल है उस साइड में जाते वक्त ऐसे कुछ नज़ारा यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आउटसाइड ऑफ टेंपल के यहाँ पे कुछ इस तरीके से शॉप्स वगैरह है। इस साइड में उस और टेंपल है ऐसे यहाँ पे दिखा हुआ है। तो बैक साइड में भी नज़र रहनी चाहिए। तो ये कुछ नज़ारा यहाँ का सड़क का इस तरीके से आ रहा है। अभी ये मेन रोड से ये टेंपल की ओर रास्ता ऐसे कुछ इस तरीके से जाता है। और ये वाली सड़क का नज़ारा इस तरीके से है। इस ओर से हम लोग आए खुलताबाद की ओर से और ये वाली सड़क जाती है अजंता की ओर। और ये नज़ारा कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। ये सीधा हम लोग टेंपल की ओर जा रहे हैं। ये ऐसा नज़ारा है भाई साहब यहाँ पे। और ये देख सकते हो यार, ये फिर से बादल आ गए, काफ़ी घने बादल है ये। और लगता है अभी देर दनादन बारिश फिर से शुरू हो गई। ये ऐसे यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर बन चुका है बारिश का, बहुत ही बरस रहा है। अभी थोड़ा सा ब्रेक दिया था बारिश ने, बट लगता है कि ये फिर से स्टार्ट होगा। तो चलते हैं, उससे पहले हम लोग चलते हैं, जाते हैं टेंपल के अंदर। और टेंपल की ओर जाते वक्त रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। सामने वो वाला है टेंपल, काफ़ी ब्यूटीफुल सा बनाया है यहाँ पे सब आउटसाइड में, बहुत ही अच्छा लगता है। हनुमान जी का टेंपल है, भव समाधि मुद्रा में वो मूर्ति का नज़ारा है। कुछ आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सीन यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है सब कुछ। और ये बादल का नज़ारा, ये करीब आने के बाद कुछ नज़ारा इस तरीके से दिखाई देता है। ये ओवरऑल टेंपल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत सा है। इस साइड में शॉप्स वगैरह है, इस साइड में भी है, बट काफ़ी सारे शॉप्स क्लोज है आज। तो वो वाले सड़क से हम लोग मेन रोड से अंदर आए हुए हैं, उसका नज़ारा बैक साइड देख सकते हो आप लोग। ये सब कुछ ऐसे नज़ारा है यहाँ पे, ये वाला। काफ़ी दूर दूर से भक्तगण यहाँ पे आते हैं। भाई बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, बारिश की हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। चलते हैं उस और अंदर की ओर चलते हैं पास। ये ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं कह रहा था कि भक्तगण काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन लेने के लिए। ये टेंपल का नज़ारा और ये आउटसाइड टेंपल के कुछ शॉप्स का नज़ारा इस तरीके से है। इस साइड में भी है, तो काफ़ी बड़ा टेंपल है यार यहाँ पे। तो ये कुछ नज़ारा इस तरीके से है। ये है भद्रा मारुति टेंपल। और बारिश, तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है। चलते वो वाले कंस्ट्रक्शन में, ये सामने वाले, जल्दी से जाके छिप जाते हैं क्योंकि बारिश होगी तो भीग जाएंगे हम लोग। वापिस से छाता निकालना पड़ेगा फिर से। भाई भक्तगण काफ़ी दूर दूर से आते हैं, ये बैक साइड देख सकते हो। वैसे तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन लेने के लिए आते रहते हैं। और ये वाला है मेन रोड जहाँ से टेंपल की ओर से आ सकते हैं। और ये सब शॉप का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आउटसाइड ऑफ टेंपल की ओर का नज़ारा कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो पीछे की ओर। और ये है श्री भद्रा मारुति टेंपल जो कि मेन टेंपल है,
और सामने काफ़ी भव्य ऐसा सभा मंडप का नज़ारा आप लोग देख सकते हो। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंदर चलकर देखते हैं इसको। इस साइड में जूते चप्पले वगैरह उतारनी होगी आपको, बट ये वाला सीन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये टेंपल का, आउटसाइड ऑफ टेंपल का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग अंदर दर्शन लेने के लिए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से बनाया है यहाँ पे सब कुछ। और ये वाला सभा मंडप का नज़ारा, हाँ हाँ, ये वाले टेंपल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये टेंपल मेन है और यहाँ पे आउटसाइड पे कुछ नज़ारा इस तरीके से है। ये अंदर का नज़ारा, यहाँ पे अंदर मूर्ति है हनुमान जी की, बट यहाँ पे अभी कैमरा अलाउड ना होने की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसे उस साइड से हम लोग अंदर जाकर फिर वापस बाहर इस साइड से आ सकते हैं। ये कुछ ऐसे यहाँ पे नज़ारा है यहाँ का। ये वाला यहाँ से अंदर मूर्ति है हनुमान जी की, और ये इधर भी ऐसे सब कुछ है। इस साइड भी देखते हैं कि यहाँ का नज़ारा ओवरऑल कुछ इस तरीके से है। ये आउटसाइड ऑफ टेंपल है, वहाँ पे बीच में हनुमान जी की मूर्ति है जो कि भव समाधि मुद्रा में है। ये ऐसे सब कुछ यहाँ का नज़ारा। भक्तगण काफ़ी दूर दूर से आते रहते हैं यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे। तो चलते हैं अभी बाहर की ओर। यहाँ पे प्रसाद के वगैरह ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे आप। और ये वो वाला फोटो है जो कैलाश टेम्पल है, एलोरा, एलोरा का। तो ये सब कुछ नज़ारा ऐसे है यहाँ पे। बाहर की ओर चलते हैं। इस साइड में भी प्रसाद की वगैरह शॉप है, देख सकते हो काफ़ी सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। हे गाइस, इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और मेरा चैनल हॉक ट्रैवलर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।